हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो सबसे पहले मेरे जन्मदिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए आप लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस स्पेशल दिन के डे और इस स्पेशल डे में चलिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल आप लोगों की एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स का है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स में कुछ मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स आप लोगों के साथ शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको शॉर्ट पॉइंट्स माइंड में रिमाइंडर हो जाए और आपको याद रहे, ताकि वो पॉइंट्स के थ्रू आप आंसर को लॉन्ग कर सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स को, ताकि आप लोगों का वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और दूसरा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा 80-90% है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स में पहला टॉपिक। सबसे पहला अगर आप देखने जाओगे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो, स्टार्टिंग से बचपन से कॉमर्स पढ़ते भी आए हो। तो कॉमर्स होता क्या है, वाणिज्य। याद रखोगे आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सारे वो काम विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज एंड सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप आसानी से लिख सकते हो, वस्तुओं को खरीदने और बेचने से रिलेटेड है कॉमर्स, वो सारी एक्टिविटीज बताता है कॉमर्स। समझ में आ गई बातें? अच्छा सर, कॉमर्स में अगर बात की जाए फंक्शन की, तो इसमें आप लंबा कर सकते हो कि फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है। तो याद रखें, फंक्शन ऑफ कॉमर्स में आपको लिखना है, सबसे पहले ये क्या करता है, रिमूव करता है बहुत सारी परेशानियों को, हिंड्रेंस को। बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करवा देता हूँ। ये रिमूव करवाता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दो लोगों को मिलाने का काम करता है कॉमर्स। कैसे, ट्रेड खुलवा के। पहला वो क्या करता है, ट्रेड खुलवा देता है। ट्रेड मतलब दुकानें, तो पढ़े भी होंगे, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन दोनों लोगों को मिलाने का काम करता है। फिर क्या है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग सामान लाएंगे ले जाएंगे कैसे, सर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला हो गया हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दूसरा हो गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, तीसरा हो गया हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हम लोग गोडाउन बनाकर टाइम गैप को फिल कर देते हैं। समझ में आ गई? हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हम लोग क्या किए, बैंक खुलवा दिए, पैसे का लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है जिससे। तो कॉमर्स में ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर ले सर, क्या क्या, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, एक पर्सन और दूसरे पर्सन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को मिलाने का काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, लैंड, ये सारा हो गया। तीसरा, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हम लोग एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, गोडाउन खुलवाकर हम लोग हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके फंक्शन है कॉमर्स के, ये आपको पढ़ लेना है। तो मेन टॉपिक्स में से एक हो गया। इसमें आपको पढ़ लेना है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होती है और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये शॉर्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बचपन से पढ़ते भी आए हो। सर मेन टॉपिक्स क्या है इसके बाद, ध्यान से सुने, इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ मेन टॉपिक्स आने के चांसेस जिसके ज़्यादा भी हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको पता ही है सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप जब एक सिंगल पर्सन, एक अकेला इंसान जब बिजनेस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब सिंगल, ठीक है। याद रखोगे आंसर कैसे लिखना अगर आप भूल भी जाओ तो, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से जुड़कर बना हुआ है, सोल और प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर। तो जब किसी बिजनेस का सिंगल ओनर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ गए? अब इसमें सर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको बोलेंगे, तो मेरिट्स बहुत सारे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स, तो बहुत शॉर्ट में हम लोग
अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है फटाफट ईज ऑफ फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इजी होता है। क्यों सर? क्योंकि उसमें सिंगल ओनर होते हैं। मैंने रातों रात सोचा कि कल मुझे समोसे के ठेले लगाने हैं, तो क्या मैं सुबह उठकर समोसे के ठेले नहीं लगा सकता? हाँ सर, लेकिन मैं रातों रात सोचूं कि मुझे एक रिलायंस कंपनी खोलनी है, तो क्या मैं सुबह उठकर रिलायंस कंपनी खोल दूंगा, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा फंड्स, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि वी नो दैट कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है, उसके पास जितने फंड्स है उसने लगाए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये काफी इजी होता फॉर्मेशन। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं गवर्नमेंट से नहीं पूछने जाऊंगा कि सर मैं आज गोलगप्पे के ठेले लगा रहा हूं तो मैं लगाऊं या ना लगाऊं। इज इट क्लियर? पहला। दूसरा, डायरेक्ट इंसेंटिव। मैं जितना काम करूंगा उसका सारा का सारा पैसा किसके पॉकेट में आएगा? मेरे पॉकेट में आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊं। ये इसके मेरिट्स हैं कि मैं जितना भी एफर्ट्स डालूंगा उसका सारा रिटर्न मुझे ही मिलेगा। जो पार्टनरशिप में नहीं है, अगर मैं पार्टनरशिप में एफर्ट्स डालता हूं वो सारा रिटर्न मुझे नहीं मिलता, वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है। मैंने बताया था ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। याद रखोगे, वहां पार्टनरशिप में अगर कद्दू कटा तो सब में बटेगा, और यहां कद्दू मैं खुद घर पे लेकर आ रहा हूं। तो मैं जितना एफर्ट्स डालूंगा वो डायरेक्टली इंसेंटिव है मेरा, ठीक है? तो इजी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा हो गया डायरेक्ट इंसेंटिव, तीसरा हो गया क्विक डिसीजन मेकिंग। हम लोग तुरंत 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 डिसीजन ले सकते हैं। सर कैसे? हाँ, आज मैंने सोचा कि गोलगप्पे के साथ चलो चाट भी लगा देते हैं, तो मैं गोलगप्पे के साथ चाट भी लगा दूंगा। मुझे डिसीजन लेने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितना चाहूं उतना ईजी वे में क्या कर सकता हूं, तुरंत तुरंत डिसीजन ले सकता हूं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, मुझे सारे लोगों से पूछने की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनल रिलेशन। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, वो डायरेक्टली कस्टमर से मिलता है, तो उसको पता चलता है कि मेरे प्रोडक्ट्स में कितनी अच्छी चीजें हैं, कितनी खराब चीजें हैं, और वो डायरेक्टली रिलेशन बनाता है कस्टमर के साथ। इसलिए इसमें कहा गया है डायरेक्ट रिलेशन। देखिए, सिंपल सा एग्जाम जाओगे, क्या करना है आपको, सोचोगे कि मैंने कुछ दुकानें खोली, ठीक? सबसे पहले सोचोगे कि मैंने कुछ दुकानें खोली अकेले, सिंगल, जैसे समोसा मैंने बता दिया। तो सबसे पहले अगर अकेला दुकान खोला तो सिंगल कैपिटल लगेगा, तो लिख सकते हो कि अपना खुद का पैसा लगाना है। अच्छा, इजी तुरंत खुल जाएगा ना, तो हाँ सर इजी फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जितना मेहनत करेंगे सारा पैसा मुझे मिले, डायरेक्ट इंसेंटिव हमको तुरंत मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है हमारा, तो डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक? तो ऐसे आप याद रख सकते हो किसी भी चीज को। और लास्टली है सीक्रेसी। आप अगर दुकान खोल रहे हो तो अपने सीक्रेट किसी को बताओगे? नहीं सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वही 5 लोग हो तो किसी के मुंह से तो निकल ही जाएगा ना सर। हाँ सर, वो तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हाजमोला खाने के बाद भी उनके बातें नहीं पचती। वो 4 लोगों को जब तक नहीं बताएंगे ना, तो उनका खाना ही नहीं हजम होता है। समझ में आ गया? लेकिन सोचिए, अगर आप सिंगल ओनर हो, आप अकेले बिजनेस चला रहे हो, तो आप अकेले क्या करोगे, सारा का सारा सीक्रेट अपने पास रखोगे और किसी को भी नहीं बताओगे, तो बिजनेस की सीक्रेसी आपके पास रहेगी। फटाफट ये 5 पॉइंट देखिए, मैंने 5 ही पॉइंट डील किया है, आप इसको बुक्स में भी देख सकते हो, बुक में 10 पॉइंट है। लेकिन याद कैसे रखेंगे, हम शॉर्ट में फटाफट बता दे रहे हैं। तो ये थे हमारे मेरिट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके डिमेरिट्स फटाफट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिमेरिट्स को। डिमेरिट्स में क्या क्या है सर? देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में आपको लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कल एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं लेकर चलना है। मैं मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स जल्दी जल्दी फटाफट बता दूंगा, ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो रिकॉल हो ही जाए। ध्यान दें, लिमिटेड कैपिटल। सबसे पहले, अगर आप सिंगल ओनर हो, अकेले बिजनेस चला रहे हो, तो कितना पैसा लगा सकते हो? सर बहुत ही कम, लिमिटेड कैपिटल ही हम लगा पाएंगे, पहला हो गया। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। आप जानते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कर सकते हैं हम लोग, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज लगा सकते हैं, मतलब हम लोग जितना चाहें उतना कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद से भी पैसे देने पड़ते हैं, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसमें लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं होता, जितना चाहे उतना कर्ज ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अगर हम सिंगल बिजनेस चला रहे हैं, हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं सर, तो मैनेजर कौन होगा? ऑब्वियसली मैं। अच्छा, मैं अगर बिजनेस चला रहा हूं, सारे काम मैं कर रहा हूं, तो क्या मैं एक अच्छा मैनेजर हूंगा? क्या मैं अच्छा मैनेजर हूंगा, इसकी गारंटी है सर?
सर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, समझ में आ गई। तो एक मैनेजरियल स्किल जो होंगे वो लिमिटेड होंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं है। अच्छा मैं एक अच्छा मैनेजर अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं एक अच्छा मैनेजर अफोर्ड नहीं कर सकता, समझ में आ रही है बातें। तो तीन डिमेरिट्स, लिमिटेड कैपिटल, कम पैसा लगेगा क्योंकि मैं खुद का पैसा लगा रहा हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब पैसा खुद का लगा रहा हूँ तो बाहर से कर्ज लूंगा ही, और मुझे पता है मैं जितना चाहूँ उतना कर्ज ले सकता हूँ, मैं कर्ज लेता जा रहा हूँ, समझ में आ गया। तो इसका डिमेरिट्स है क्योंकि सबको देना भी वापस पड़ेगा, अकेले मुझे देना पड़ेगा। तीसरा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, यहाँ मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होगी क्योंकि फर्म बहुत बड़ा नहीं है और जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा मैनेजर हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। स्मॉल साइज, सर बिजनेस कितना भी चाहो आप अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते, टाटा नहीं बना सकते, समझ में आ रही है, आपको छोटा बिजनेस पे ही सीमित रह जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस का स्टेबल होना। बिजनेस स्टेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सर मैं अकेला बिजनेस दुकान खोल रहा हूं, दुकान बंद कर रहा हूं, शटर अप शटर डाउन, पढ़े थे ना क्या थ्री इडियट्स में, अप डाउन, वही शटर अप शटर डाउन। हम लोग सर शटर अप शटर डाउन करेंगे कितने दिनों तक? कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे हम लोग, कभी ना कभी तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, हाँ सर हो तो सकता है। कभी ना कभी तो शादी में जाना पड़ सकता है, हाँ सर। तो हो सकता है ऐसा कि मुझे छुट्टी लेना पड़ जाए, उस दिन हमारी शटर डाउन रहेगी, उस दिन हमारे कस्टमर वापस चले जाएंगे। लेकिन यही पार्टनरशिप होता सर तो कोई ना कोई दुकान खोल देता। तो मेरे डिमेरिट्स हो गए लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, सॉरी माय मिस्टेक, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, स्मॉल साइज और इनस्टेबिलिटी। ये पांच पॉइंट्स आपके डिमेरिट्स हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर फटाफट। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं क्लियर आउट कर देता हूं ताकि आप एग्जाम में उसको और बड़ा करके लिख पाओ। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कौन सा, 1932, सेक्शन कितना है सर? सेक्शन तो याद ही होगा, 4, सारे बच्चों ने याद कर ही लिया है, इसको जरूर लिखिएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस व्हिच आर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर्स प्रॉफिट ऑफ बिजनेस व्हिच आर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद आपको डेफिनेशन मन करे ओनवर्ड्स में लिखने का तो ओनवर्ड्स में भी लिख दीजिए कि टू एंड मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर टू स्टार्ट, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलते हैं बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए वगैरह वगैरह, फलाना एंड ढकाना लिख के उसको थोड़ा बड़ा कर दोगे, कंक्लूजन लिख दोगे। चलिए पार्टनरशिप के बाद सर इसमें आ क्या सकता है? सर इसमें पार्टनरशिप के बाद इसके फीचर्स आ सकते हैं। तो फीचर्स में आपको पता ही है, सबसे पहले मेंबर्स लिखना है। मेंबर्स कितने होते हैं सर? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, याद रखोगे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अच्छा सर उसके बाद फीचर्स क्या क्या हैं इसके, फटाफट हम लोग इसके फीचर्स देख लेंगे। तो पहला फीचर्स तो हो गया इसका दो या दो से ज्यादा लोग। लाइबिलिटीज, सर लाइबिलिटीज क्या होती है? तो याद रखोगे पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, और सर फीचर्स में क्या है? सर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो, चाहो तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते हो। ठीक है, ये काफी इजी होता है फॉर्म करना, इजी टू फॉर्म है ये भी बिजनेस का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको फीचर्स याद कर लेने हैं पार्टनरशिप के, समझ में आ गई बातें। चलिए इसमें और क्या सर टॉपिक्स पढ़ सकते हैं वो बता। इसमें आपको फीचर्स, मैरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ लेना है। ठीक है, मैरिट्स में भी आप लिख सकते हो कि इनका जो बिजनेस का फंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो मैन जो है मैन फोर्सेस वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो बिजनेस में काम जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसके मैरिट्स भी पढ़ लीजिएगा, इसके डिमेरिट्स भी पढ़ लीजिएगा। चलिए फीचर्स, मैरिट्स, डिमेरिट्स पढ़ने के बाद देखिए वीडियोस को मैं ज़्यादा नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि कल एग्जाम है आपका, एक दिन में आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है सारा कुछ, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर उसको शॉर्ट में डील करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सर इसको हम लोगों को लिखना कितना पड़ेगा? देखिए एज पर योर कैपेसिटी आप जितना चाहें उतना इसको बढ़ाकर लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे इसमें आप और क्या लिख सकते हैं सर? तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में लिख सकते हैं, बचपन पढ़े होंगे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स। सर शॉर्ट में बता दें ये होता क्या है। एक्टिव पार्टनर वैसा पार्टनर जो पार्टनर भी है और पार्टनरशिप में काम भी करता है।
जो सैलरी पाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने मिलकर एक स्कूल खोला, हम लोग सारे पार्टनर्स हैं। अब सारे पार्टनर्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला तो रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों ने कहा कि सर आप पढ़ा भी दीजिए स्कूल में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन क्या आप लोग भी पढ़ा रहे हो? नहीं सर, हम लोग नहीं पढ़ा रहे। तो याद रखोगे मैं जो हूँ मैं कौन हूँ, एक्टिव पार्टनर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टनर भी हूँ और यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कौन हो? आप लोग स्लीपिंग पार्टनर हो, क्योंकि आप लोग पढ़ा नहीं रहे हो, सिर्फ आप लोग पार्टनरशिप में हो, घर जाते हो आते हो, बस काम नहीं करते हो, आप लोग लास्ट में सिर्फ प्रॉफिट लेते हो, ठीक। फिर आता है आप लोगों का सीक्रेट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो सारे कह सकते हो सारे लोगों को, सारी दुनिया को नहीं पता होता है कि वो मेरा पार्टनर है, ठीक है, वो सीक्रेट पार्टनर होता है। ये क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उतना टाइम है नहीं कि हम लोग इतना पूरा डील कर पाए, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर मतलब जो पूरे लोगों को नहीं पता होता, सीक्रेट हम रखते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ठीक। एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, जो सिर्फ नाम के लिए बनाया जाता है। नाम के लिए सर क्यों? हो सकता है हम उसका गुडविल यूज करें, पहला पॉइंट। हो सकता है कि हम लोग उसको इसलिए भी इनबिल्ड कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कोई लोन वगैरह मिल जाए। होता है ना कभी कभी कि बैंक जो है वो बोलती है कि भाई ऐसे लोगों को लेकर आइए जिसका अकाउंट है यहाँ पर, तो हम किसी अपने भैया दीदी किसी को भी रिलेटिव को पकड़ जाते कि भैया यहाँ पर बोल दो कि हाँ आप मेरे पार्टनर हो, मुझे लोन मिल जाएगा। तो वो कहता है मुझे बिजनेस में तो नहीं मिलना, हाँ तुम्हारे भलाई के लिए चलो मैं पार्टनरशिप में बोल देता हूँ कि मैं हूँ। दैट इज द नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ नाम का पार्टनर होता है, बाकी कुछ भी नहीं। समझ गए? तो ये पार्टनरशिप था, आपको पार्टनरशिप पढ़ लेना है। इसमें एक और शॉर्ट नोट्स में अगर आपका आ सकता है तो वो है LLP, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। याद रखोगे LLP कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ध्यान से सुनोगे, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जो भी पार्टनरशिप में डिमेरिट्स थे उसको हटाकर एक नया बिजनेस फॉर्म किया गया जिसका नाम रखा गया LLP। तो इसके सारे डिमेरिट्स को उसमें मेरिट्स बना दिया गया, ठीक है। जैसे इसमें इसकी लाइबिलिटीज क्या थी, अनलिमिटेड थी, तो उसमें लिमिटेड कर दिया गया। समझ में आ रही है? इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड थे, उसमें हटा दिया गया, उसमें बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके यहां पर बनाया गया LLP। तो शॉर्ट नोट्स में आप LLP पढ़ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सर और क्या पढ़ लें? नेक्स्ट आपको पढ़ना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। शॉर्ट में मैं बता दूं, याद ही होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता? अच्छा, और एक सुनोगे, अभी तो मैं सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, लास्ट में फिर मैं बताऊंगा कि मेन मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दे देना जिसपे। ये तो हो गए सारे, मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, उसके बाद मैं मेन टॉपिक्स बताऊंगा कि हाँ इसको पढ़कर आपको चले जाना है, आपका मार्क्स आसानी से उठ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सर ये क्या होता है? जब फैमिली मेंबर्स मिलकर कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है वो कर्ता कहलाता है। याद ही होगा, जो बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को फॉर्म करता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता, ठीक है, याद ही होगा। और बाकी कर्ता के जो लाइबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, बाकी लोगों के जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही पार्टनर बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग देखे ही होंगे MDH मसाले, देख रहे हो ना, उनका फैमिली बिजनेस है, वो मसाले में लगे हुए हैं। तो वह जैसे वैसे ही हम लोग कोई भी कपड़े की दुकान खोल ली, हम लोग पूरा सारा कपड़े पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो वैसा हम लोग का बिजनेस जो होता है वो हम लोग का क्या कहलाता है, तुम इधर क्यों आ रहा बार बार, कैमरा में आ रहा है, इधर रहो। तो वैसा बिजनेस हम लोगों का कहलाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जब फैमिली मेंबर मिलकर चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ लेना है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं जब जब बता रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा किस पे ज्यादा ध्यान देना है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ये देख लोगे। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज जो प्राइवेट चलाती है, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक कंपनीज, मतलब जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बिजनेस चलाती है। तो इसमें डिफरेंसेस कर लोगे आप, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में डिफरेंसेस जरूर कर लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है सर, इसके बाद हम लोगों को पढ़ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, ठीक है, याद रखोगे कंपनी, कंपनी,
ठीक है। कंपनीज का आप लोग डेफिनेशन, एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बताया था आप लोगों को 11, 12 में भी, फिर से मैं बता दे रहा हूं, एकदम याद रखोगे, इसमें फीचर्स भी कवर हो जाएंगे और पढ़ा भी होगा आपने बहुत बार। कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। देखो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर नहीं आपको हुआ तो वीडियो को फिर से आप पीछे करो और सुन लो और उसको लिख लो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बस डेफिनेशन इतना ही लिखना है, पहला डेफिनेशन कवर अप। इससे आपका क्या होगा ना, पांच फीचर्स भी आ गए आपके हाथ में। कैसे सर? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन पहला फीचर, क्रिएटेड बाय लॉ सर दूसरा फीचर, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी सर तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेक्चुअल सक्सेशन सर परपेक्चुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील। ठीक है, तो होता क्या है ये पांचों मैं डिफाइन कर दूंगा। तो कंपनी का डेफिनेशन पहले ये लिख दोगे, उसके बाद अगर आता है तो उसके बाद लिखोगे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। आपको पता है तो कंपनीज एक्ट 2013 याद रखोगे, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग लिखना। आपको सेक्शन लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ओन वर्ड्स में चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो कि कंपनी जो होती है बहुत सारे लोग मिलकर वो फॉर्म करते हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं, जितने चाहे वो मेंबर्स मिल सकते हैं, वो ऑन वर्ड्स में कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, अच्छा सर इसके बाद इसको और कैसे लंबा हम लोग करेंगे, तो फीचर्स की मैंने बात की थी, पांच फीचर्स। ठीक है, पहला फीचर्स क्या था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, याद रखोगे कंपनी कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों, इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि कंपनी जो है वो पर्सन की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, जब इसका मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लॉन्ग में, बट क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ टाइम हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि दे एक्ट एज लाइक एज अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग कहते ही है कि कंपनी वैसा ही काम करती है जैसा एक पर्सन काम करता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ, किसने के द्वारा फॉर्म किया गया, किसने बनाया सर, लॉ हमारा कानून बनाता है कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका जो एंटिटी होता है वो अलग होता है, मतलब अस्तित्व, उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेक्चुअल सक्सेशन सर, कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी कैन नेवर एंड, परपेक्चुअल सक्सेशन कंपनी चलती रहती है, कंपनी कभी बंद नहीं होती, किसी भी नए लोगों के आने से, किसी के जाने से, किसी के रिटायरमेंट, किसी के डेथ से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है, ये है परपेचुअल सक्सेशन। एंड द लास्ट वन इज कॉमन सील, सर कॉमन सील क्या है, क्योंकि कंपनी पर्सन की तरह काम करती है लेकिन उसके हाथ तो है नहीं कि वो साइन कर पाए, तो वो क्या लगाती है सर, स्टंप लगाती है। ठीक है, वो क्या लगाती है, स्टंप लगाती है, स्टंप उल्टा होता है ना, देखोगे SBI उल्टा स्टंप, देखोगे हर कंपनी में अपना एक स्टंप होता है जिससे वो वेरीफाई करती है कि हाँ ये कंपनी का है, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉमन सील। समझ में आ गया, तो ये पांच फीचर्स तो ऐसे कवर अप हो जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा सर इसके अलावा हम लोग क्या क्या आगे और पढ़ लें, तो इसके अलावा हम लोग चलते हैं कि सर कंपनी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए मुझे लगता है कि क्या क्या आपको ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं, तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉमर्स मैंने बताया, कॉमर्स भी देख लीजिएगा जिसमें हमने बता दिया एम्प्लॉयमेंट और वो आपका बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट देख लीजिएगा कॉमर्स में, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। तीसरा पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप और कंपनी, कंपनी तो आएगा ही आएगा मुझे लगता है जहाँ तक कि कंपनी आने के चांसेस है, ये कंपनी ऐसे पूछ दे या डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ऐसे पूछ दे तो कंपनी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर इसके बाद आने के चांसेस आपके अकॉर्डिंग क्या है, सर बैंक, इसमें आप लोगों का एक चैप्टर बनाया है बैंक का। ठीक है, वो बैंकिंग से आप लोगों के चांसेस आने के बहुत ज़्यादा हैं, वो बैंकिंग चैप्टर्स में मैं अभी डील कर देता हूँ। सर इसके अलावा बता दें न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में ध्यान दोगे जर्नल एंट्री दिया गया है, जर्नल करके जाइए, जर्नल आपको पता ही है जर्नल कैसे बनता है, जर्नल एंट्री आपका आएगा ही आएगा, जर्नल बहुत अच्छा है, जर्नल में आपको मार्क्स भी आ जाएंगे, तो एक जर्नल एंट्री और BRS मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, BRS करके जाएं, अगर BRS क्योंकि वो अप डाउन पढ़े ही हो, उसका बढ़ना, उसको कैशबुक को पासबुक से मैच करना, पासबुक को कैशबुक से मैच करना, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, मैसेज भी कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो कि सर इसमें प्रॉब्लम है जल्दी से इसको शॉर्ट आउट कर दे, समझ गए, उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हो गए, कौन कौन से सर, जर्नल एंट्रीज के और बीआरएस के, दो न्यूमेरिकल कर लेना है आपको। फिर से मैं बता रहा हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप आपको कर लेना है, पार्टनरशिप कंपनी आपको कर लेना है। बैंकिंग में क्या पढ़ना है सर, बैंक और उसका फंक्शन, बैंक क्या होती है आपको तो पता ही है, और उस काम क्या करती है सर, डिपॉजिट करती है, मनी लैंड करती है, उधार देती है, समझ गए ना। और बहुत सारे आजकल तो म्यूचुअल फंड्स भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो बहुत सारे उसके काम हैं जो वो करती है। तो याद रखोगे बैंक और उसका फंक्शन पढ़ लोगे, उसमें आता है आपका एक आरटीजीएस, पढ़े ही होगे आरटीजीएस, पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो बता दूं, आरटीजीएस और एनईएफटी, एनईएफटी निफ्ट, ठीक है। RTGS क्या होता है फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब सर अगर हमको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जमा करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, RTGS और NEFT करवाते हैं। सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों चीजें एक ही है। अगर हम अपने बैंक से किसी और बैंक में पैसा जमा करना है, इंस्टेंट ट्रांसफर करना है, तो हम RTGS और NEFT करवाते हैं। NEFT में क्या होता है, इसमें टाइमिंग होता है। जैसे बैंक कहती है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक कहती है कि मैं 12 बजे ट्रांसफर करूंगी, मैं 1 बजे ट्रांसफर करूंगी, मैं 3 बजे ट्रांसफर करूंगी। मतलब कहने का है कि आपका बैंक खुला 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक जितने भी NEFT आए करवाने वाले लोग सबका रख लिया गया, और एक बार में 12 बजे सबका ट्रांसफर, फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सबका रख लिया गया, फिर 1 बजे सबका ट्रांसफर, ऐसा नहीं कि तुरंत ट्रांसफर होगा, फिर 1 बजे से रख लिया गया और पूरा सारा एक बार में फिर 3 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। यह है NEFT। आप 1 रुपए से जितना चाहे उतना कर सकते हो, 1 रुपए से जितना चाहे उतना कर सकते हो NEFT में। RTGS में क्या है सर, RTGS में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब आपने दिया और आपका ट्रांसफर, ये टाइमिंग नहीं है इसमें, रियल टाइम तुरंत ट्रांसफर। लेकिन सर इसमें क्या है, लिमिट है, 2 लाख से कम हम नहीं कर सकते ट्रांसफर। जैसे इसमें क्या था, 1 रुपया भी NEFT कर सकते हो, लेकिन RTGS 1 रुपया नहीं होगा। आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपया, तभी RTGS होगा। 2 लाख या उससे ज्यादा है तो RTGS करवाइए, वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ट्रांसफर। अच्छा दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम लगता है, मतलब बैंक चार्जेस जो है कम है, इसमें बैंक चार्जेस ज्यादा है क्योंकि तुरंत ट्रांसफर हो जाता है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है, इसमें टाइमिंग नहीं है, तुरंत रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। सर नेक्स्ट टॉपिक और पॉइंट्स बता दे जरा फटाफट, सुनिए मुझे जहां तक लगता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपका पढ़ लेना है आपको, जो आपके प्रोसीजर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, ये आ सकता है क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोसीजर और प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से इसको पढ़ लोगे, ठीक है। उतना टाइम तो है नहीं कि मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग प्रोसीजर बताऊं, और अकाउंटिंग तो बचपन से पढ़ते आए हो, बुक से आप पढ़ लें अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन, मेन टॉपिक्स में से एक है। और लास्ट, मुझे नहीं लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देना चाहिए, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आप तो बना ही दोगे, आपको तो बचपन से पता हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P × R × T / 100, ये तो पढ़े ही हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर क्वेश्चन ईजी बनाएगा तो फिर आपको ये आ सकते हैं, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, तो इसको पढ़ो एक बार, देखना चाहो तो देख सकते हो, छोड़ कर क्यों आओगे, सारा आपको बना कर ही आना है, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैंने बोला था आपको कॉल कर लेना है, आप लोगों को पूछ लेना हमसे। तो सर पढ़ना क्या है इसमें, मैंने बता दिया कॉमर्स, दूसरा मैंने बता दिया सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तीसरा मैंने बता दिया कंपनी, कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक कॉरपोरेशन भी पढ़ लेना है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और कंपनी उसका फीचर्स भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है सर, बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में पढ़ लेना, उसका फंक्शंस पढ़ लेना है, ठीक। RTGS नियम, NEFT लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपका RTGS NEFT। और एक आपका आता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद होगा आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये होता क्या है सर, मैं शॉर्ट में बताता हूं। मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट हूं, मोदी जी पहचानते हो मुझे, मैं हूं मोदी जी, सपोज कर लीजिए आपके पास एक जमीन है, तो मैंने क्या बोला कि वो जमीन मुझे बेच दो, मैंने गवर्नमेंट हूं मैं, मैंने बोला मुझे बेच दो, आप बेचना नहीं चाह रहे। अब मैंने आपको चाय पर बुलाया और बोला कि चलो चाय पे चर्चा करते हैं, तो मैंने बताया कि भाइयों और बहनों सुनो, मैं वहां पर हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, ठीक है, मैं वहां पर हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, आप मुझे जमीन दे दो। तो आप लोग बोलते हो सर ठीक है, एक काम करते ना, हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस कर लेते हैं, जमीन मेरे नाम पे ही रहने दीजिए, जितना फंड्स है आप लगाइए, हम लोग दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं,
तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो याद रखोगे जब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर किसी बिजनेस को चलाती है, पार्टनरशिप करती है, तो हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप उसको कहते हैं। समझ में आ गई बातें, ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर था हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स का ये छोटा छोटा मेन मेन टॉपिक्स जो आपको कल बहुत हेल्प करेगा। आपको इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लेने हैं, मैंने बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट्स में डाउट है, आप उसको फिर से रिकैप कीजिए, फिर से आप वीडियोस को पीछे आगे करके देख लें, उसके पॉइंट्स लिख लें, बुक तो आपके पास है ही। और अगर आपको किसी का भी फीचर्स या नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करें या मुझे मैसेज करें या मुझे कॉल करें और मुझसे पूछ लें, मैं आपको उसका PDF दे दूंगा। समझ में आ गई बातें। तो चलिए आज हम लोग फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। चलिए धन्यवाद, बाय, पढ़ते रहें, धन्यवाद।